आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो so, क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट हमें फाइंड करनी है फॉर एससीवी पैकिंग ठीक अरेंजमेंट इन 3D सो so, देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह दे कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 सो so, ये स्टेटमेंट सही है बट हमें इनकरेक्ट फाइन करनी है कोऑर्डिनेशन नंबर इज ट्वेल्व बेसिकली होता क्या है मान लीजिए कोई एक हम ले लेते हैं एटम ले लेते हैं ले ले इसके ये ना ए बी ए बी लेयर होता है ठीक है ए बी ए बी ठीक है इस लेयर में बी लेयर में इसके अराउंड अराउंड जो एलिमेंट्स हैं एक दो तीन चार पाँच छ छ होते हैं इस लेयर में और ए ले इसके ऊपर तीन होते हैं एक दो तीन और इसके तीन नीचे भी तीन होते हैं एक दो तीन जैसे हमारे पास टू टू डी है इसलिए मैं सही रंग से समझा नहीं पा रहा हूँ पर इसके अराउंड ये बी लेयर में छः होते हैं इसके ऊपर तीन होते हैं इसके नीचे तीन होते हैं सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बन जाता है ट्वेल्व सो so, पहली स्टेटमेंट सही है बट हमें इनकरेक्ट फाइंड करनी है अब दूसरा है क्या है इट हैज सेवेंटी फोर परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन सो so, इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है पैकिंग पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग फ्रैक्शन होता है इसका 74.05% ठीक है so, इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है 74.05 फ्रैक्शन जो कि मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 74 के अराउंड ही है। सो so, ये भी सही है बट हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है सी है ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फुली प्रेजेंट साइड द यूनिट सेल अब ध्यान देते हैं इस स्टेटमेंट पे बेसिकली टेटाइड बनते कैसे हैं? थ्री कनेक्टिंग थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को अगर हम कनेक्ट करें तो जहां पे वो कनेक्ट होंगी वो ऑक्ट्रेडरबॉय लाइन सेगमेंट मान लीजिए एक ये लाइन है एक ये लाइन है और इसके एक ठीक है ये एक्स एक्सीज है ये वाई एक्सीज है और ये जेड एक्सीज है ठीक है तो जहां पे ये कनेक्ट हो रहे हैं ये होगा ऑक्टाहाइड्रोबोइ और जो ये है ना इसमें ऑक्टाहाइड्रोबोइड सारे यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते ठीक है क्योंकि सम ऑफ ऑक्टाहाइड्रोबोइड्स आर मेड विद नेबर यूनिट जो साथ वाले यूनिट हैं उनको मिला के भी कुछ ऑक्टाहाइडल बोर्ड बनते हैं सो ये ये कह रहे हैं भी सारे एक ही यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं जो कि गलत है हमें इनकरेक्ट फाइंड करना था सो डी ऑप्शन है कहते हैं प्रेजेंट इन साइड यूनिट सेल So, ये ये स्टेटमेंट सही है आल टेट्राहाइडल टेट्राहाइडल बॉइड आर प्रेजेंट इनसाइड यूनिट सेल सारे टेट्राहाइडल बॉय जो हैं यूनिट सेल के अंदर ही होते हैं सो so, ध्यान से दे, ध्यान देने वाली क्या चीज है फर्स्ट चीज तो ये है कि जो कॉर्डिनेशन नंबर ट्वेल्व इसका कैसे होता है बेसिकली एक लेयर में जैसे बी लेयर है उसके अराउंड छः होते हैं उसके ऊपर तीन होते हैं उसके नीचे तीन होते हैं ठीक है ऐसे ही लेयर बनती है तो कॉर्डिनेशन नंबर ट्वेल्व बन जाता है पैकिंग फ्रैक्शन सेवेंटी फोर uh, फोर पॉइंट जीरो फाइव होती है बट ऑक्ट्राहाइड्रल वर्ड एक ही यूनिट सेल में नहीं होता है सात वाले यूनिट सेल को मिला के बनते हैं टेट्राहाइड्रल वर्ड जो होते हैं वो एक ही यूनिट के अंदर होते हैं थैंक यू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर